दोस्तों, मैं हूं सुशांत। सबसे पहले स्टार इंपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं जॉबलेस ट्रेनिंग के बारे में, सबसे पहले इनसे जानेंगे कि हमारे यहाँ पे कैसा लगा उनको। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद वसीम, मैं कर्नाटक गुलबर्गा से आया हूँ। मेरे जो भाई है कजिन, उन्होंने भी यूट्यूब से देख लिया था, तो मैं उनसे कांटेक्ट किया था कि मुझे सीएनसी के लिए जाना है। तो वो बोला कि स्टार इंफोटेक एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे तू जा। तो बोला कि मतलब फेक भी हो सकता ना, मैं कैसा जाऊं। बोले तो वो बोला कि नहीं, ट्रस्टेड है, मैं जानता हूँ अभिजीत सर बोल के, तो आंख बंद करके जा, कुछ भी नुकसान है तो मैं देता हूँ उसका पैसा। बोला था इतना तो बोला था ठीक है, जब भाई बोल रहा तो सुनेंगे बोल के मैं यहाँ पे आया। लेकिन फिर भी मेरे को डाउट था 10 दिन तक। सर उनको मैं बोला कि आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल में मन रहा था कुछ यहाँ पे आके फेक हुआ तो क्या करना वो ये बोल के, इसलिए मैं नहीं आ रहा था। फिर लास्ट में पता नहीं कुछ मन ठीक है जा बोलने को, मैं यहाँ पे आया, सर को कॉन्टेक्ट किया तो सर एड्रेस दिया, एड्रेस पे आ गया मैं। फिर सर लेने के लिए आए थे, सर रूम पे लगा के छोड़ दिया उस दिन। फिर फ्रेश होके रात में आया था मैं मॉर्निंग, तो फिर मेरा एडमिशन हुआ। मॉर्निंग किट दिए मुझे, तो एक दिन फिर रेस्ट करके दूसरे दिन, मतलब मेरे को डाउट था कि कंपनी में जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मतलब कैसा है का कुछ भी नहीं हुआ था, पहली बार मैं इधर आया था। तो फिर दूसरे दिन कंपनी में लेके गए, वहां पे इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में पास हो गए। जॉब तो कंपलसरी मिलेगी, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए इंटरव्यू लेते। तो फिर मेरा जॉब सेलेक्ट हो गया, उसके दूसरे दिन से मैं जॉब पे लग गया। फिर जॉब पे लगने पर डेली ट्रेनिंग, यहाँ पे रूम पे ट्रेनिंग लेते थे, 2 घंटे तक ट्रेनिंग होती है अपनी, उसके बाद 8 घंटे ड्यूटी है। तो फिर मैं बीच में भी, मेरे को तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं 15 दिन का लीव लिया था। तो फिर मेरे को डर लग रहा था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, इसलिए होल्ड करके दूसरे महीने में आना सोचा। लेकिन फिर सर बोले कि कवर करेंगे आओ वो बोल के, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरा पूरा कवर हो गया। अभी मेरा 6 तारीख को इंटरव्यू है, मतलब जॉब के लिए प्लेसमेंट के लिए जाना है, अक्षय सर लेके जाएंगे 6 तारीख तक, जब तक अभी टाइम है। फिर भी उसको रिवीजन वो करके करना है। तो फिर मैं स्टार इंफोटेक से जो उम्मीद रखा था वो सही निकली, मैं समझा था डर डर क्या था, लेकिन फिर भी थैंक यू सर और स्टार इंफोटेक को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शब्बीर, मैं कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट शाहपुर से आया हूँ। और मुझे यहाँ पे मेरे दोस्त है जो हम गली में रहते हैं, उनके थ्रू से मैं आया हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट आए थे तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे अच्छा है सीएनसी के लिए। तो मैं सीएनसी बहुत दिन से ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला काम, वो तो मेरा दोस्त यहाँ पे आया था तो वो बोला कि यहाँ पे सीएनसी है, अच्छा है काम, ट्रेनिंग है। तो मैंने जॉबलेस ट्रेनिंग में गया, ज्वाइन कर लिया। तो इधर आने के बाद सर से मुलाकात की और वो मुझे बस स्टैंड से थोड़ा यहाँ पे आने के लिए हेल्प किए। और यहाँ पे आने के बाद मुझे दूसरे दिन जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए लेके गए। और जॉब इंटरव्यू होने के बाद एक दिन मुझे रूम में रेस्ट के लिए छोड़ा गया और दूसरे दिन से मैंने जॉब ज्वाइनिंग कर ली। और आप जो अभी प्लेसमेंट हो रहा है वो प्लेसमेंट में जाने वाले हो? नहीं सर, मैं यहीं पे यही कंपनी में काम करना चाहूंगा। ओके, क्योंकि और थोड़ा नॉलेज मिलेगा तो अच्छा रहेगा, इसीलिए यहीं पे थोड़ा और काम कर लेते। तो जैसे कि हमारे स्टूडेंट ने बताया कि 6 तारीख को प्लेसमेंट होने वाला है, तो जो प्लेसमेंट होने वाला है वो जाने वाले पुणा। पुणा में हमारे जो स्टाफ है अक्षय सर इनको पुणा लेके जाते हैं, खुद वहां जाके उनका इंटरव्यू करवा के उनको ज्वाइन करके फिर अक्षय सर वापस चले जाते हैं। जॉब प्लेस लेने में हम पहले दिन ही या दूसरे दिन आपको ज्वाइनिंग करके दिया जाता है, लगभग 2 दिन में आपका ज्वाइनिंग हो ही जाता है। लेकिन आप कंटिन्यू करते हो, मतलब 2 महीने का ट्रेनिंग हुआ, जॉब छोड़नी ऐसी कोई बात नहीं। जैसे कि शब्बीर ने बताया अभी कि वो कंटिन्यू करने वाला है, कंपनी में से आपको कोई निकालेगा नहीं, आप कंटिन्यू करना चाहते हो उसी कंपनी में तो कंटिन्यू भी कर सकते हो, या फिर आपको प्लेसमेंट में जाना है तो प्लेसमेंट में भी आप जा सकते हो। ये जो लड़के थे इनका अभी मतलब ट्रेनिंग 6 तारीख को खत्म होगा, उसके बाद उनका प्लेसमेंट भी होने वाला है। और इस साइड में जो लड़के खड़े है इनका ट्रेनिंग चालू होने वाला है 15 जनवरी से। लेकिन ये पहले आए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ, 1 महीना काम करो, फिर उसके बाद ज्वाइन करो, ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तो उस तरह ये आए थे दिसंबर में, उनका अभी लगभग 1 महीना खत्म होने के लिए आ चुका है और उनका ट्रेनिंग स्टार्ट चालू होगा 15 जनवरी से। तो उनसे जानते है कि पहले आने से फिर उसके बाद जो इनकी जर्नी रही है तो उनसे जान लेते हैं।
हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ उड़ीसा से आया हूँ। मैं यूट्यूब के थ्रू से आया हूँ जॉब प्लस ट्रेनिंग में। तो मेरा जनवरी 15 से स्टार्ट होने वाला है और मैं एक महीना पहले से ही आके जॉब कर रहा हूँ। यहाँ जॉब भी मुझे लग गई। और अभी जो आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे सीखने के लिए मिल रहा है, वो सैलरी कितनी मिली आपको? सर अच्छे सीखने मिल रहा है, अच्छे सिखा रहे हैं। सैलरी 8 घंटे की 8,000 है। ओके, ओवर टाइम करते हो तो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है? एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। ओके, और कंपनी यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है आपकी? 8 किलोमीटर होगी सर। Okay. जो जाने आने में कम से कम कितना टाइम लगता है आपको? 10-15 मिनट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम सिंह है, मैं यूपी से आया हूँ, जिला प्रयागराज से। मैं इससे पहले काम भिवंडी में करता था और विटल कंपनी में। तो वहाँ पे एक राजा भाई नाम के थे, CNC BMC के प्रोग्रामर थे। मैं उनके थ्रू से इधर आया। तो राजा भाई ने बोला कि कोल्हापुर में CNC BMC का क्लास चलता है और प्लस जॉब प्लस ट्रेनिंग भी चलती है। उनके कहने से आप आने से आपको जॉब मिल गई? इधर आया तो 2 दिन बाद मुझे जॉब पे लग गया। ओके, तो आपको सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी सर इस वक्त 8,000 है। ओके, और मुझे मशीन भी सीखने को मिल रहा है। तो जो काम जो आप कर रहे हो यहाँ पे, काम में कैसा महसूस होता है? अच्छा है। काम अच्छा है। ओके, तो आपको यहाँ पे खाने का रहने का कैसा इंतजाम है? सब कुछ ठीक है इधर। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट है वो पहले भी आ सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, मतलब जॉब कर सकते हैं और उसके बाद ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो CNC जॉब प्लस ट्रेनिंग का जो कोर्स है वो 2 महीना चलता है। इसमें आपको फी लगेगी टोटल 2 महीने में 12,000 रुपए, 6,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट 6,000। टोटल फी आपको 2 महीने के लिए 12,000 रुपए, प्लस आपको खाने का और रहने का खर्चा भी पे करना होगा। इसमें मेस मतलब खाने का खर्चा होगा 2,500 रुपए 1 महीने का और रहने का खर्चा होगा 1,000 रुपए 1 महीने का। रहने के लिए सभी को कॉमन में एक फ्लैट दिया जाता है। फ्लैट में सभी स्टूडेंट एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो इसके बाद और एक ऑफर मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, वही ऑफर मैं कंटिन्यू बताना चाहूंगा कि जिनके पास पैसों की कमी है और जिनको लगता है कि मुझे सीखना ही है। तो जैसे स्टूडेंट अभी जो हमारा नया बैच है वो 15 जनवरी को स्टार्ट होने वाला है और नेक्स्ट बैच है वो फरवरी को स्टार्ट होने वाला है। तो आप अभी जनवरी में आ सकते हो। आने के बाद आपको करना क्या है? सिर्फ आपको 3,000 रुपए भरने, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए पे करने हैं और उसके बाद मेस और रूम ये दो आपको पे करना है। फिर आपका जैसे 1 महीना काम करके जो सैलरी आएगा उसमें से सिर्फ बाकी का फीस भर दो, मतलब 3,000 रुपए भरने के बाद फिर आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पहले भी आ सकते हो। फरवरी के बैच में आप आना चाहते हो फिर और पहले आके जॉब करना चाहते हो तो अभी जनवरी में आ सकते हो, जॉब कीजिए, फिर फरवरी के बैच में भी बैठ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे ढेर सारी जानकारी लेके। शुक्रिया, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी CNC सीखना है? क्या आपको VMC मशीन सीखना है? क्या आपको CNC राउटर मशीन सीखना है? क्या आपको CAD/CAM का कोर्स करना है? तो देर किस बात की, आज ही कॉन्टेक्ट करें स्टार इन्फोटेक में। यहाँ पे मिलेगा आपको 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, रहने खाने की सुविधा और प्लेसमेंट भी। हमारे पास है 3 CNC मशीन, साथ ही साथ 1 VMC मशीन और 1 राउटर मशीन। साथ ही साथ हमारी कंप्यूटर लैब है जहाँ पे हम आपको AutoCAD और CAM का भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। स्टार इन्फोटेक का 10,000 स्क्वायर फुट का कैंपस एरिया है, 3,000 स्क्वायर फीट के 2 यूनिट है, साथ ही साथ पीछे 2 डॉर्मेट्री हॉल है जहाँ पे स्टूडेंट की रहने की सुविधा है, कैंटीन फैसिलिटी है, ट्रेनिंग का पूरा मटेरियल या रूम का पूरा मटेरियल ये भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। 2017 से 2022 तक अभी 5 साल हमें हो चुका है, 5 साल में लगभग 30 से ऊपर बैचेस हमारे हो चुके हैं, लगभग 1500 के ऊपर स्टूडेंट को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है। पूना, बेंगलोर या कोल्हापुर ऐसे सिटियों में हमने उनको प्लेसमेंट भी दिया हुआ है। तो आज ही हमसे संपर्क करें, मेरा मोबाइल नंबर मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 8788100629 या 8087241474 पे कॉल कीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी।